हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लिख लेना, यहाँ एस रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना है। क्या करना है? कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा, आप लोग जानते हैं कि चार्ज के बारे में, आई थिंक थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चार्ज दो तरह का होता है, जिसे मैंने ही बताया था, मास के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ मास एक टर्म हमने लिया था, टेस्ट मास, और एक क्या होता है, फील्ड मास होता है। क्या होता है? फील्ड मास या टेस्ट मास, और दूसरे को हम बोलते थे सोर्स मास। सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है फील्ड चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और क्या, देखो इधर, तो चार्ज बेसिकली क्या होगा, एक होगा चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज, ठीक है, इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहा हूं, और एक क्या होगा, फील्ड चार्ज, इसको मैं अभी कैपिटल क्यू से मान लिया। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जो फील्ड चार्ज होता है, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल क्यू को हमने क्या कंसीडर किया है, फील्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस वनली इलेक्ट्रिकल और क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, फोर्स एंड फील्ड। समझ में आया ना, जब भी मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोल रहा हूँ, मैग्नेटिकल इफेक्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? तो इट विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, इट विल एक्सपीरियंस द क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट। समझ में आई बात? तो अपने को क्या पढ़ना है,
अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा और मैग्नेटिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कब क्रिएट होगा और मैग्नेटिकल इफेक्ट क्रिएट कब होगा। तो चार्ज क्या हो सकता है, देखो चार्ज क्या होगा, रेस्ट में भी हो सकता है, मूव भी करेगा और क्या करेगा, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज में भी एट रेस्ट, में भी इन मोशन, ठीक है, क्या होगा सोर्स चार्ज में भी एट रेस्ट और में भी इन मोशन। सोर्स चार्ज होगा वो क्या होगा, मूव भी कर सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब सोर्स चार्ज क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा, रहेगा। समझ में आया क्या, क्या सोर्स आई मीन चार्ज को हमने दो तरह से सोचा, एक क्या करेगा कि केवल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और दूसरा जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट के प्रेजेंस को क्या करेगा, महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो सोर्स चार्ज क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा व्हेन, याद रखना है कि क्या होगा व्हेन सोर्स चार्ज इज क्या होगा, इज एट रेस्ट, सोर्स चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट रेस्ट इट विल क्या होगा, इट विल वनली क्रिएट या इट विल वनली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। समझ में आया क्या, आई मीन यदि यहाँ कोई चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज है, ये क्या है एट रेस्ट में, तो ये केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, तो क्या आपको पढ़ना है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्या पढ़ना है, वनली क्या होगा फील्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द क्या होगा चार्ज विच इज एट रेस्ट, सोर्स चार्ज विच इज एट रेस्ट, फील्ड चार्ज क्या होगा, मूव भी कर सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, उसके बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां मैं नोट में लिख देता हूं बेटा, ये ध्यान रखना है कि इन क्या होगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी वनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वी वनली स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट produced by charge which is at rest। अभी हमने चार्ज के बारे में नहीं पढ़ा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में बताया, समझ में आया बेटा। तो चार्ज को हम दो तरह से सोचते हैं, एक जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को और मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्रिएट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट के प्रेजेंस को क्या करता है, महसूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो जो महसूस करता है एक्सपीरियंस करता है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे या फील्ड चार्ज बोलेंगे, और जो क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज विच इज एट रेस्ट, क्या होगा विच इज एट रेस्ट। ये भी बेटा आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव चीज है, समझ में आया ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि चार्ज, अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, कि जब चार्ज क्या होगा, ये समझ में आया कि चार्ज एट रेस्ट वनली क्रिएट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, चार्ज इन क्या होगा, इन मोशन, देखो ध्यान से इन मोशन, ठीक है। अब चार्ज इन मोशन जो होगा दो तरह के हो सकते हैं, देखो यहां क्या होगा, चार्ज जब भी मैं बोल रहा हूं तो कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, यहां लिखना व्हेन, ऐसे लिख लो व्हेन सोर्स चार्ज, ठीक है,
इज इन मोशन। अब मोशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है, चार्ज, चार्ज इज मूविंग, मूविंग विथ क्या होगा बेटा, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सबको वन बाई वन आगे पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा यही क्या है, दिस इज, मैं लिख रहा हूं कौन सा चार्ज, सोर चार्ज, सोर चार्ज, और इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड और क्या होगा, डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है, देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना है कि यदि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इट विल क्या होगा, क्रिएट, इट विल क्रिएट क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और दूसरा क्या क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और दूसरा जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिकल इफेक्ट का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जब क्या होगा, केवल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब अपने को आगे पढ़ना है, अभी अपने को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड जो होगा वो चार्ज क्या हो सकता है बेटा, चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, आई मीन व्हेन चार्ज, सोर्स चार्ज इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें जो बी पॉइंट होगा, व्हेन व्हेन सोर्स चार्ज इज क्या होगा, व्हेन सोर्स चार्ज इज मूविंग विथ क्या होगा, विथ वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। आई मीन यहाँ जो होगा भी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, ये सब आगे पढ़ना है बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या होगा, यही क्या है, चार्ज है, ये कोई चार्ज है, देखो ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, एंड मान लो कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, नॉट कॉन्स्टेंट। तो ये तीन चीज क्रिएट करता है, ठीक है, देखो ध्यान से, पहला क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिकल, मैग्नेटिकल इफेक्ट, और तीसरा जो होगा वो क्या क्रिएट करेगा, इट विल रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड रिलीज एंड प्रोड्यूस्ड क्या होगा, यहाँ बोल सकते हैं प्रोड्यूस्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMW, EMI नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि सोर्स चार्ज जो होता है क्या है, मोशन में होता है, जिसमें हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, कि सोर्स चार्ज क्या होगा, अलवेज क्या होगा, हम उसको रेस्ट में मानेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, कि सोर्स चार्ज अलवेज क्या होगा, मूव करेगा। तो जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिकल इफेक्ट भी क्रिएट करता है, जो चार्ज एक्सलेट होता है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड भी करेगा, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब हम आते हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज के बारे में अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या होगा बेटी बेटा, चार्ज का मतलब क्या होगा, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद क्या होगा, मैटर। ये मैटर का प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड क्या होगा, मैग्नेटिकल इफेक्ट।
क्या होता है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिकल इफेक्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है, और एट द सेम टाइम कहीं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है या नहीं है, कहीं मैग्नेटिकल इफेक्ट है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या महसूस करता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज, लिख लो बेटा तुम लोग, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल और ऐसे लिख लें मैग्नेटिकल इफेक्ट। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट एंड क्या होगा, एंड एक्सपीरियंसेस experiences the क्या होगा, the presence of electrical और क्या होगा, और magnetical effect। ठीक है, समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक किसी भी ये क्या होगा, मैटर का प्रॉपर्टीज होगा जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को क्या करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसको हम कैसे सोचेंगे, तो वहाँ चार्ज को लाएंगे या मैटर को लाएंगे, और हम देखेंगे कि चार्ज जो है वो क्या, उस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, यदि इफेक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं यार, यहाँ इस रीजन में चार्ज है और अदरवाइज, सॉरी, इस रीजन में फील्ड है, अदरवाइज क्या है, इस रीजन में फील्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आया, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ एनी मैटर बिकॉज ऑफ विच इट्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिकल इफेक्ट एज वेल एज एक्सपीरियंसेस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट। ठीक है, अब बेटा मैटर जो होता है, मैटर को हम क्या बोल सकते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ विथ, जनरली हम बोल सकते हैं एटम्स। ठीक है, समझ में आया, और एटम्स में बेसिकली हम ऐसे सोचें तो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी एलिमेंट पार्टिकल्स होता है। एटम में क्या क्या होगा आप लोगों को मालूम ही होगा, किसी भी एटम में क्या क्या होता है बेटा, है ना। ठीक है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इस पे आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, इस पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉन्सेप्ट अब चार्ज होगा, जनरली क्या होता है, ये भी आपको मालूम है कि प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन्स इज ऑलवेज टाइटली बाउंडेड विद द क्या होगा, न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होगा, और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, ऑर्बिट में क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, ये तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि मैं बोलूं कि किसी भी मैटर में, मान लो कि क्या है, कोई मैटर है, यदि इसमें देखो ध्यान से, ये कोई मैटर है, ठीक है, इसमें जितने क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही क्या होगा, मान लो कि इसमें क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इस पे चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है।
जीरो है ना बेटा, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये कोई मैटर हमने कंसीडर कर लिया या कोई बॉडी कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है बेटा, ठीक है। आई मीन हम बोल सकते हैं np इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम बोले हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मींस क्या है, ये चार्जलेस है। क्या है, चार्जलेस। समझ में आया ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो आप ऐसे, ठीक है, इस पे मान लो, देखना ध्यान से, यहां आप देख सकते हो ये कोई बॉडी है, इस पे आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये आपको मालूम है चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्मॉलर देन क्या है या लेसर देन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां बोल रहे हैं कि चार्ज जो है, बॉडी जो है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, उस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लो कि कोई बॉडी है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये बॉडी पे क्या है, एन पी, नंबर ऑफ पॉज प्रोटॉन, ऐसे बोल सकते हो, इज ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो एराइज होता है वो कहां से होता है कि यदि क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा किसी भी बॉडी में सेम होगा तो हम बोलेंगे क्या होगा, वो चार्जलेस होगा। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, कि बॉडी जो है क्या है, निगेटिवली चार्ज है। और हमने ये बोल दिया कि किसी भी बॉडी में यदि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो हमने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज बीइंग एराइज्ड या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज अराइज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी मैटर। बात समझ में आया। तो बेटा यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि जो चार्ज होता है, चार्ज का जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ वो कहां से अराइज हुआ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज arises, ठीक है, arises due to excess or deficiency of an electron present इन ए बॉडी, ठीक है। यहां से हम ये देखें कि इफ क्या होगा, इफ देयर इज क्या होगा, देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, ठीक है। इफ क्या होगा, इफ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन लिख लेना, देन बॉडी इज क्या होगा, इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है।
ये दो तीन चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, और चार्जलेस का मतलब क्या होगा। चार्जलेस में का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट्स में कोई भी बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या चार्जलेस है, वो कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा बता सकते हो बेटा तुम लोग? चलो पूछता हूं, चार्ज क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, बता सकते हो तुम लोग? चार्ज क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? चार्ज में कोई मैग्नीट्यूड तो है या डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्शन नहीं है ना, तो चार्ज क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो पहला हम चार्ज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, इसलिए कभी कभी चार्ज को हम एडिटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। एडिटिव का मतलब क्या हुआ, चार्ज को सिंपली हम क्या करेंगे, साइन के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं या क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, चार्ज, चार्ज इज ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, चार्ज क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, चार्ज को हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रा यूज करके, सिंपली जो हम 9th-10th में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, चार्ज को हम क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे देख लो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मान लो कि कोई ये बॉडी है, देखो ध्यान से, अभी चार्ज का यूनिट आपको ये मालूम है, मालूम कर लो कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट, तो मैं बोलूँ कि इस पर +5 कूलम चार्ज है, +10 कूलम चार्ज है, -10 कूलम चार्ज है बेटा। तो टोटल चार्ज कोई पूछेगा Q, ठीक है, Q इज इक्वल टू, Q बॉडी लिख देता हूँ यहाँ, इक्वल टू क्या होगा, तो सभी चार्ज को हम स्केलर की तरह ऐड करेंगे, तो विथ साइन, तो क्या लिखेंगे बेटा, +5 कूलम, +10 कूलम, -10 कूलम। देखो तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Q बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, +5 कूलम। +5 कूलम इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या होगा, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है बेटा, बॉडी नहीं समझ में आया तो बोलना तुम लोग, ठीक है, समझ में आया? तो चार्ज क्या होता है, पहला क्या है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में बेटा, क्या पढ़ सकते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टीज होगा कि ऐसा यूनिट बी क्या है, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, कूलम, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं, समझ में आया बेटा, क्या होगा, कैपिटल सी से। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। जनरली जो चार्ज हम मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, कूलम में, लेकिन कूलम जो होता है वो लार्जर यूनिट होता है, इसलिए चार्ज को कुछ ऐसे भी लिखते हैं। देखो ध्यान से, मैं बोलूं कि 1 मिली कूलम है ना, मिली कूलम जनरली नहीं मिलेगा तुमको, 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या हुआ, 10^-6 कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम का मतलब क्या हुआ, 10^-9 क्या होगा, 9 कूलम। और 1 PC, पीसी का मतलब क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा मत समझना तुम लोग, ठीक है, 1 PC का मतलब क्या हुआ, पीको कूलम। ठीक है, तो पीको का मतलब क्या होगा, 10^-12 कूलम।
तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने में, समझ में आया ना। तो इसलिए मैंने एक जगह नोट कर दिया कि यूनिट ऑफ चार्ज में क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, कूलम होगा। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल सी से बेटा डिनोट करेंगे, ठीक है। और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होगा, 10^-6 कूलम। 1 नैनो कूलम इक्वल टू क्या होगा, 10^-9 कूलम। 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10^-12 कूलम। समझ में आई बात, ठीक है। अब चार्ज को कुछ अलग तरह से भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। चार्ज इज ऑल्सो मेजर्ड इन सम अदर यूनिट जो कभी कभी यूज होता है, लेकिन उसको भी अपने को जान लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि उसका यूज उतना नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए। चार्ज को देखो, चार्ज इज ऑल्सो मेजर्ड इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड क्या होगा, एंड EMU। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कभी कभी इसको इसकी भी जरूरत हो जाती है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चार्ज इज ऑल्सो मेजर्ड, ESU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EMU का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो मैं एक रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है, कि देखो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, 3×10^9 ESU। इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। बेटा इसको याद रखना चाहिए कई बार इस, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इनमें रिलेशन भी हो सकता है, देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं एक, 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10^9, ठीक है, ESU इज इक्वल टू 1/10 EMU, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, याद रखना चाहिए कभी कभी। हालांकि जनरली आपको चार्ज जो मिलेगा वो क्या होगा, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, लेकिन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमेशा चार्ज को किस में कन्वर्ट कर लेना, कूलम में कन्वर्ट कर लेना, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो तुम, देखो बेटा यहाँ से देख सकते हो कि 1 EMU / क्या लिखोगे, 1 ESU इज इक्वल टू 3×10^2 क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। समझ में आया ना। इसको ऐसे भी आई थिंक लिख सकते हैं कि 100 × क्या हो जाएगा, सी। सही लिखा क्या, देख लो, 1 EMU / 1 ESU, ठीक है, विल बी इक्वल टू क्या होगा, 3×10^10, 100। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना, इसलिए स्मॉल सी मैंने लिखा है, कूलम मत समझ लेना यार, ठीक है। समझ में आया, ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो क्या है, चार्ज, चार्ज इज क्या होगा, क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये भी याद रखना कि चार्ज जब डिस्क्रीट नेचर में हम चार्ज को कंसीडर करें, व्हेन एवर वी कंसीडर चार्ज इन डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं है, हम बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मली कहीं है या नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस चार्ज क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ठीक है, कि चार्ज, ठीक है, चार्ज, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज
ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना देखो, तो हम बोल सकते हैं कि यदि क्या है क्यू, यदि किसी भी बॉडी पे क्या है चार्ज है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट शुड बी इक्वल टू क्या होगा एन इंटू ई, वेयर एन इक्वल टू क्या होगा बेटा जीरो, ठीक है, आई मीन जीरो भी हो सकता है, समझ में आया ना, लेकिन हमने बोला है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, इसलिए जीरो नहीं लिख सकते, वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो याद रखना है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एलिवेज क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा ई होगा, आई मीन ई से छोटा उस पर चार्ज हो ही नहीं सकता है, चार्ज नेवर, चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी नेवर इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 4/3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा ई होगा, ठीक है, क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई के फॉर्म में ही क्या होगा चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां से वेयर देखो यहां एन आई मीन प्लस का मतलब क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब क्या होगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां ये भी लिख सकते हो बेटा कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाई, समझ में आया ना। यहां से तुम ये लिख सकते हो वेयर एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ई क्या है चार्ज ऑन एनी बॉडी और ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो यहां मैं लिख देता हूं कि ई प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन चार्ज क्या होगा चार्ज ऑन क्या होगा प्रोटॉन, ये याद रखना है। तो 1.6 × 10⁻² लिखना -19 कूलम, ठीक है। और यदि मैं लिखूं कि ई माइनस इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज ऑन क्या होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, और ये कितना होगा -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कैपिटल सी लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कभी कभी E प्लस का मतलब क्या होगा E माइनस का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा चार्ज ऑफ क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा ऑलवेज क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होगा, आई मीन यहां से तुम बोल सकते हो कि चार्ज क्या हो सकता है क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है प्लस माइनस ई, प्लस माइनस क्या होगा 2e, प्लस माइनस क्या होगा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन कुछ किसी किसी बुक में कुछ एक्सेप्शनल भी चीज़ें दी हुई है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली आई मीन कुछ समय पहले ये ऑब्जर्व किया गया है कि फंडामेंटल पार्टिकल सच एज क्या होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ ए पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क, किससे मिल करके बना हुआ है क्वार्क। तो क्वार्क पे ये देखा गया है कि उस पर जो चार्ज एक्सपेरिमेंटली ये चार्ज पाया गया कि उस पर क्या होता है फ्रैक्शनल में चार्ज होता है, ठीक है। तो वहाँ आप बोल सकते हो कि सर यहाँ तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि चार्ज जो होगा वो क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा ई होगा, आई मीन वन ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e एंड सो ऑन, 1/2e नहीं हो सकता यार, 2/3e नहीं हो सकता, 5/4e नहीं हो सकता, समझ में आया ना ये बात। लेकिन अभी जो मैंने बोला कि क्वार्क्स, अभी मैंने बोला क्वार्क्स पे तो चार्ज जो होता है वो क्या होगा प्लस माइनस e/2, प्लस माइनस 2e/3 क्या होता है 3 होता है, सर यहाँ तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसी तभी हम यूज कर सकते हैं जब चार्ज क्या होगा फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, फ्री एग्जिस्ट करे,
लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि क्वार्क्स जो होता है वो क्या होता है, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स वाई वहाँ हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज वैलिड होता है। तो उसको भी हम लिख लेते हैं नोट में, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी हम लिखेंगे नोट में, यहाँ लिख लेंगे नोट में, बेटा इसको लिखना है कि नोट में क्या होगा, रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल सच एज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप विथ ए न्यू पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, समझ में आया ना क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, QUARKS क्वार्क्स। चार्ज ऑन, देखो यहां से ध्यान देना, चार्ज ऑन क्वार्क्स इज, चार्ज ऑन क्वार्क्स इज, नहीं ऐसे लिखेंगे, आर क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 ई, एंड क्या होगा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 2/3। अब देखो अभी मैंने बताया यहाँ तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है। समझ में आया ना। तो रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप विथ ए न्यू पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स, चार्ज ऑन क्वार्क्स आर प्लस माइनस 1/2 ई प्लस माइनस 2/3 ई। बट यहाँ ये लिखना है, बट यहाँ बोलोगे सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो इनवैलिड हो गया, आपने तो बोला कि चार्ज ऑलवेज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ये भी चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में है लेकिन यहाँ क्वांटाइज्ड नहीं है। समझ में आया ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ देखेंगे तो ये देखा गया, बट यहाँ लिख रहा हूँ, बट इट इज नहीं, इट हैज been also observed that quarks does not exist in free state। ठीक है, आई मीन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Hence, quantization of charge is, यहाँ हम quantization of charge जो है वो नहीं सोचेंगे। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है, यहाँ quantization of charge क्या होगा हम नहीं सोचेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और डिस्क्रीट फॉर्म में हो तभी हम क्या करेंगे, quantization of, आई मीन ये बहुत कम टाइम तक क्या होता है, फ्री एग्जिस्ट होते हैं। समझ में आया ना, इसलिए हम इनको यहाँ भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा हम यहाँ नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वांटाइजेशन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज इज वैलिड ओनली व्हेन, क्या होगा, व्हेन चार्ज इज कंसीडर्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म। समझ में आया ना, यदि चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में आप कंसीडर करोगे तो वहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ये बोर्ड है
यार बोर्ड पे कितना चार्ज है, तो यहाँ इस केस में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सॉरी डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो याद रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम तभी यूज करेंगे जब क्या होगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, तभी हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है बेटा, ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व। समझ में आया ना, चार्ज किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व। ध्यान रखना है बेटा, मैंने क्या बताया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब समझ में आया ना, हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड, तुम लोग पढ़े होगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ दैट सिस्टम विद सराउंडिंग, वो अलग थलग है यार, है ना, ठीक है, उसका इंटरेक्शन, उसकी बातचीत किसी से नहीं होती है, कोई एक्सचेंज नहीं है ना, वो आइसोलेटेड हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड बॉडी पे क्या है, चार्ज होगा ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। समझ में आया ना, ये मत सोचना कि ये कोई चार्ज बॉडी है, दूसरे अनचार्ज बॉडी से हमने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया, और फिर मैं बोलूँ कि नहीं इस चार्ज बॉडी पे तो यार चार्ज कंजर्व होगा, नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता है। बॉडी कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, आई मीन वो किसी दूसरे बॉडी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अलग थलग होना चाहिए। समझ में आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बॉडी बोलेंगे। तो चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व, ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑलवेज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन पेयर। समझ में आया ना, इसका मतलब ये होगा कि चार्ज दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज चार्ज, चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड और क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑलवेज, ऑलवेज इन क्या होगा, पेयर, क्या बोलते हैं उसको, पेयर, आई मीन क्या होगा, पेयर में क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, उसको क्रिएट किया जा सकता है और क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से, जिसे देखो इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। आगे पढ़ोगे जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ोगे, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ से गेमा फोटोन इस पर स्ट्राइक हुआ, क्या हुआ, गेमा फोटोन, आगे सब पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, देखो गेमा फोटोन पे क्या होता है, चार्ज क्या है, तो बिफोर क्या है, देखो ये इस पर चार्ज क्या होगा, बिफोर आई मीन इस पे चार्ज क्या होगा, बिफोर स्ट्राइकिंग विथ क्या होगा, न्यूक्लियस, या इंटरेक्टिंग विथ न्यूक्लियस, ये गेमा फोटोन है, वो न्यूक्लियस पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया, ठीक है। तो बिफोर स्ट्राइक, गेमा पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया अभी, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि दो चार्ज क्या होंगे, क्रिएट होंगे, देखो ध्यान से, एक चार्ज दूसरा चार्ज, तो एक चार्ज जो क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, ई प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन बोलेंगे। तो देखो बिफोर क्या होगा, गेमा रेज, गेमा रेज जब न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। अभी भी क्या है, देखो यहाँ भी देखोगे नेट चार्ज, यहाँ भी क्या है कि इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, तो क्या है, जीरो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन, आई मीन मैंने बताया कि चार्ज का जब क्रिएशन होगा, यहाँ क्या हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या होगा, पेयर में, यही मैंने लिखा है कि चार्ज बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्या होगा, पेयर, आई मीन पॉजिटिव निगेटिव। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज
आई मीन सिंगल पॉजिटिव चार्ज विल नेवर बी क्रिएटेड और नेवर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया ना, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। उसी तरह क्या होता है, एनहिलेशन होता है। तो देखो यहाँ क्या होगा, मान लो कि ये क्या है, इधर से कोई क्या होगा पॉजिट्रॉन आया और इधर से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है। और दोनों जब यहाँ कोलाइड होंगे, जब कोलाइड होंगे तो यहाँ क्या होगा, गेमा रे फोटोन, आई मीन फोटोन जो होगा वो क्या होगा, एच न्यू, आप जानते हो फोटोन क्या होगा, क्रिएट होगा। तो बिफोर कंबाइनिंग देखो तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू इनिशियल मैं लिख दूँ जीरो और क्यू फाइनल भी क्या होगा जीरो। तो यहाँ देखो दोनों चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ये क्या हो गया पॉजिट्रॉन और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब कोलाइड होंगे कंबाइन होंगे तो ये क्या होगा, फोटोन का क्या होगा, क्रिएशन होगा। और फोटोन पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। शायद आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हो केमिस्ट्री में, लेकिन हम फिर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एनहीलेशन। एनहीलिएशन शायद है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो बेटा यहाँ चार्ज क्या हुआ, एपियर हुआ तो पेयर में हुआ, यहाँ चार्ज क्या हो गया, डिसअपियर हुआ तो क्या हुआ, पेयर में हुआ। आई मीन यही इसका मतलब हुआ कि चार्ज विल ऑलवेज अपियर और डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, पेयर। समझ में आई बात। तो यहाँ इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज जो होगा वो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन, जब भी हम लिखते हैं रिएक्शन में भी क्या होगा, चार्ज जो होगा ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ऑलवेज हम यूज करते हैं। तो नोट में बेटा एक पॉइंट लिख लेना है यहाँ कि क्या होगा, कि चार्ज, सिंगल चार्ज का मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज और क्या होगा माइनस चार्ज, नेवर क्या होगा, नेवर क्रिएटेड और क्या होगा डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इन एनी क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आई बात, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी था, ठीक है, कि चार्ज को ऑलवेज क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, आई मीन चार्ज ऑलवेज अपीयर भी हो सकता है, डिसअपीयर भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ऑलवेज पेयर में होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या होगा अगला जो है, क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन, ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है बेटा। दो तरह के चार्जेज होंगे। तो चार्जेज क्या होगा यार, देखो तो Q जो होगा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज Q जो होगा वो दो टाइप का होगा, क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या होगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा प्लस और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होगा दो तरह का होगा, एक को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को हम क्या बोलेंगे निगेटिव चार्ज हम बोलेंगे। जैसे आगे देखो चार्ज कई तरह से क्रिएट किया जाता है ना, आई मीन ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू क्या होगा अदर ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखो क्या होगा कि एक ग्लास रॉड ले लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ये जी मत लिखना बेटा क्यू लिखना, ठीक है,
तो चार्ज जो होगा एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट इन नेचर. क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. अभी देखा कैसे गया इसको. देखो चार्ज को कई तरह से क्रिएट किया जाता है. तीन मेथड होता है. एक को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड. फ्रिक्शनल मेथड में क्या होगा कि एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम क्या करते हैं उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं. तो क्या होगा, एक में जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो दूसरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. इसके वजह से जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. समझ में आया ना? ऐसे देखा गया है. ठीक है, तो जैसे मान लो कि क्या है, ग्लास रॉड है और सिल्क ले लो. तो ग्लास रॉड और सिल्क को एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है, और सिल्क पे जो चार्ज अपीयर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है. उसी तरह आप एबोनाइट रॉड ले लो और उल ले लो. एबोनाइट रॉड, तो एबोनाइट रॉड और उल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे तो एबोनाइट रॉड पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, और उल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बॉडी बाई क्या होता है, फ्रिक्शनल मेथड. तो एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे पाया गया कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अगला जो पॉइंट है, ये हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा, देख लेना बेटा, तुम लोग लिख लेना नंबरिंग, शायद ये फोर्थ या फिफ्थ होगा. अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक का मतलब क्या होगा बेटा, लाइक का मतलब ये नहीं हुआ कि क्या होना चाहिए कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना, नेचर सेम होना चाहिए. लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, और नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. समझ में आया ना, ये ध्यान रखना. लाइक का मतलब क्या हुआ कि उनका नेचर सेम होना चाहिए, नॉट मैग्नीट्यूड. लाइक मीन्स व्हाट, द नेचर ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और अनलाइक का मतलब क्या हुआ कि नेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. ठीक है, तो ये ध्यान में देना, ध्यान रखना है कि लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ और अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ. नेचर यहाँ क्या हुआ, लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होगा कि दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. तो इसका ये मतलब हुआ, देखो ध्यान से कि ये क्या, जैसे मान लो कि ये क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होगा Q1, और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है Q2. तो ये लाइक चार्ज हो गया बेटा. ठीक है, Q1 Q2 सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो रिपेल का मतलब क्या होगा कि देखो ये इधर क्या करेगा, इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा. ऐसे लिखते हैं, बाद में मैं बताऊंगा. F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑन, और इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू. तो ड्यू टू ऑन टू. तो रिपेल का मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स इस पे एग्जर्ट करेगा वो किधर एग्जर्ट करेगा, उधर, और ये वाला जो Q2 जो होगा वो इस पे फोर्स एग्जर्ट किधर करेगा, इधर. तो F ऑन टू. ठीक है, ये ध्यान देना है. इसी तरह क्या हो सकता है, यहाँ देखो ये लाइक चार्ज है, ये क्या होगा माइनस, और ये भी क्या होगा माइनस, लाइक चार्ज. ठीक है, तो चलो इसको भी हम Q मान लें, और इसको भी, इसको Q1 और इसको Q2. यहाँ भी ध्यान से देखोगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या होगा F21 इधर, और इधर क्या होगा F12. ये समझ में आया ना, F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ठीक है, समझ में आया ना, F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है Q1 एंड Q2. यहाँ क्या, बोथ
ठीक है, Q1 एंड Q2 रिपेल क्या होगा, रिपेल ईच अदर, समझ में आया ना, ये ध्यान देना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लो बेटा, तो अनलाइक का मतलब क्या होगा, देखो यहां ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू वन, और ये क्या होगा माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, क्यू वन जो होगा क्यू टू को किधर खींचेगा, अपने तरफ पुल करेगा, ठीक है, तो किधर पुल करेगा, इधर। तो अभी मैंने ये बताया कि हम क्या लिखेंगे, एफ टू वन फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसका देखो वन जो है टू को किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो यहाँ से ये भी मालूम चलेगा कि हम बोल सकते हैं कि एफ ऑन टू ड्यू टू, सॉरी एफ ऑन वन ड्यू टू टू क्या होगा, इधर होगा, तो यहाँ क्या होगा बोथ, क्या होगा बोथ Q1 एंड क्या होगा Q2 क्या होगा विल अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर क्या करेगा, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो केवल याद रखना है कि लाइक चार्ज का मतलब क्या होगा कि उनका नेचर सेम होना चाहिए, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होगा उनका नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दोनों जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लाइक चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे को, बोलेगा नहीं यार तुम मुझसे दूर जाओ, ठीक है, और अनलाइक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, बोलेगा कि नहीं तुम मेरे करीब आओ, ठीक है, नजदीक आओ, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है कि चार्ज जो होता है इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है, क्या होगा चार्ज जो होगा वो क्या होगा इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो अगला पॉइंट लिख लो, चार्ज इज एन इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। आई मीन इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज का वैल्यू हमेशा याद रखना है। देखो ध्यान से, यदि सेम चार्ज, देखो यहाँ डायग्राम से मैं समझा देता हूँ सबसे अच्छा है। ये मान लो कि ये चार्ज कोई है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है क्यू है, अभी एयर में रखा गया है तो क्यू, ठीक है, एयर में रखा गया है, इसी बॉडी को हमने क्या किया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू एयर, समझ में आया ना, चार्ज इस पे क्या है क्यू है, पहले हमने एयर में रखा, फिर इसी को हमने क्या किया वाटर में रख दिया, देखो इधर हमने क्या किया वाटर में रख दिया, ठीक है, ये कोई बॉडी है याद रखना, इस पे चार्ज क्या है क्यू, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि इसका जो चार्ज वाटर में क्या होगा क्यू डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है, या कि अदर मीडियम हमने मान लिया, वाटर हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। दूसरा जो चार्ज दूसरे इस, अब इस बॉडी को हमने क्या किया, देखो ध्यान से, इस बॉडी को हमने क्या किया, इस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया, ठीक है, ये समझना जरूरी है बेटा, समझ में आया कि इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा, इस पे चार्ज क्या है क्यू, तो क्यू यहां मैं लिख रहा हूं क्यू मूविंग, ठीक है, ये मान लो कि वी वेलोसिटी से क्या है मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने ये मान लिया ओरिजिनल चार्ज क्या है क्यू है, अब एयर में जब इस बॉडी को रखा तो उस पे चार्ज हमने क्यू एयर मान लिया, वाटर में रखा तो हमने क्या मान लिया क्यू डब्ल्यू। अब हम देखेंगे कि सेमी बॉडी का चार्ज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या चेंज होगा क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो यही बॉडी जो है वो क्या हो रहा है एक्सेलेरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी क्या है नट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ रखा गया है, इस पे भी चार्ज क्या है क्यू है, ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ इसमें जो चार्ज हमने मान लिया क्यू, आई मीन चार्ज व्हेन द बॉडी इज एक्सेलेरेटिंग, क्यू डब्ल्यू का क्यू मूविंग का मतलब है चार्ज व्हेन द बॉडी इज मूविंग, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा चार्ज व्हेन द बॉडी इज क्या होगा इन लिक्विड, एंड क्यू एयर का मतलब क्या होगा चार्ज व्हेन द बॉडी इज इन एयर, और क्या होगा एट रेस्ट, यहाँ मैंने मान लिया कि एट क्या होगा रेस्ट। तो सभी सिचुएशन में चार्ज जो क्या होगा अलविज क्या होगा सेम होगा, समझ में आया बेटा,
चार्ज का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मास का वैल्यू जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होता है, डिपेंड करता है, जैसा कि शायद आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का वैल्यू आप एयर में मेजर करो या वाटर में मेजर करो, और क्या होगा जब चार्ज मूव कर रहा हो तब मेजर, आई मीन बॉडी मूव कर रहा हो तब, या क्या होगा क्यू जब एक्सलेट हो रहा है, आई मीन चार्ज एक्सलेट हो रहा है तब ऑलवेज उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, आई मीन यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज, अर्थ पे चार्ज क्या है, क्यू है, उसके उसी बॉडी को आप मून पे ले जाओ तो वहाँ भी चार्ज क्या होगा, क्यू ही होगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी एंड ऑन अर्थ, या हम लिख सकते हैं क्यू मून इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अर्थ, आई मीन मून पे यदि किसी ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज है फॉर सेम बॉडी, मैंने लिख दिया सेम बॉडी। ठीक है, सेमी बॉडी को क्या करो, उसके चार्ज को अर्थ पे मेजर करो और मून पे मेजर करो, तो चार्ज का जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। इसलिए चार्ज को क्या बोला जाता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है, आई मीन द वैल्यू ऑफ चार्ज नेवर डिपेंड ऑन द क्या होगा, प्लेस। ठीक है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज मेजरिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, कहीं भी चार्ज का वैल्यू है, यदि 10 कूलम का चार्ज है उसको वाटर में मेजर करो, एयर में मेजर करो, मूविंग ऑब्जेक्ट में मेजर करो, ठीक है, अर्थ पे मेजर करो, मून पे मेजर करो, सन पे मेजर करो, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। इट इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। समझ में आई बात, ठीक है, चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अब याद रखना है, देखो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी होगी। मटेरियल जो होता है बेसिकली, या किसी भी मैटर को दो पार्ट्स में, आई मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में, बेसिकली तीन पार्ट्स में या चार पार्ट में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बेटा कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि आपको भी मालूम है कि कंडक्टर जो होता है वो मेटल से बनाया जाता है, तो कंडक्टर के अंदर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई मीन इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली विदाउट एनी बाउंडेशन। लेकिन इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता है, समझ में आया ना, इंसुलेटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, आई मीन इलेक्ट्रॉन अपने जगह से मूव करने में सक्षम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, इसको डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में 3-4-5 क्लास पढ़ना है अपने को। ठीक है, 5-7 क्लास केवल कंडक्टर के बारे में पढ़ें, इंसुलेटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बेटा केवल अभी ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर क्या होता है, कि कंडक्टर क्या होगा, कि कंडक्टर पे जब आप क्या करोगे, कंडक्टर के अंदर जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इंसुलेटर के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, आई मीन दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, कंडक्टर इंसुलेटर के अंदर अपने प्लेस से डिस्प्लेस स्लाइटली हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब ये याद रखना है बेटा कि वेन एवर चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, या वेन एवर कंडक्टर इज बींग चार्ज्ड, ठीक है, द चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन द क्या होगा, सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी और आगे इसको हम प्रूव करेंगे कि वेन क्या होगा, वेन ये भी याद रखना है, वेन चार्ज, इसको अभी याद रखो, आगे प्रूव करना, वेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन कंडक्टर, कंडक्टर इट रिसाइडेड, ऐसे लिख सकते हैं, इट रिसाइड ऑन द क्या होगा, ऑन द सरफेस, इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, आई मीन कोई ये कंडक्टर है, देखो
देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, याद रखना है कि जब चार्ज रखोगे तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होगा? जीरो होगा बेटा, ठीक है। तो याद रखना है एक कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज रखोगे वो कहाँ रिसाइड हो जाएगा? उसके सरफेस पे। यहाँ देखो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये आगे पढ़ना है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, समझ में आया। यदि क्या होगा, आप ये भी देखोगे, ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, यदि चार्ज कुछ ऐसे, डिटेल में अपने को बेटा पढ़ना है इसको, ठीक है, ऐसे देखो, कुछ ऐसे नोकीले टाइप का सरफेस है, तो इधर देखो क्या होगा, चार्ज होगा, यहाँ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, यहाँ जो होगा ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। तो जब भी आप किसी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज, कंडक्टर पे चार्ज रखोगे या कंडक्टर को चार्ज करोगे, तो चार्ज कहाँ रिसाइड हो जाएगा? सरफेस पे, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द क्या होगा, कंडक्टर, ठीक है, क्या होगा, कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ देखो ज़्यादा है, इधर चार्ज क्या है, कम है, यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ मैंने इसको आगे प्रूफ भी करूँगा बेटा। याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस यहाँ मैं लिखता हूँ सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर, आर जानते हो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी सरफेस, ये याद रखना है, आगे मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है, क्या होगा, आगे प्रूफ कर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब मालूम है ना बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फॉर यहां लिख लेना फॉर कंडक्टर, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन क्या होगा, एरिया, ठीक है, और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ, आगे मैं प्रूव करूंगा इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टर पे आप चार्ज रखोगे तो चार्ज होगा उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंडक्टर, समझ में आई बात। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन क्या होगा, एरिया, क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, समझ में आया, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग, तो थोड़ा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं बेटा, और फिर हम कूलम्स लॉ पे आएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं कि चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो चार्ज, ये नोट में लिख लेना है पॉइंट, हालांकि आगे आपको, ठीक है, चार्ज, चार्ज इज, नोट में लिख लेना बेटा इसको, नोट में, ठीक है, चार्ज इज बीइंग measured with the help of following instrument, क्या क्या यूज करके हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं। पहला जो है देखो ध्यान से, याद रखना है तुमको, ठीक है, एक पॉइंट जो है, पहला जो है वो क्या है, गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप
ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो, गोल्ड लीफ। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमीटर। तीसरा जो है क्या है, वोल्ट मीटर। और चौथा जो है क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये आगे पढ़ना है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इन फोर तरह से हम क्या करते हैं, फोर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या करते हैं, चार्ज को मेजर करते हैं। तो चार्ज इज बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्ट मीटर एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। और देखो अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इसको सबको आगे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले देखो कि मटेरियल्स को हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। थोड़ा इसके बारे में आप पढ़, कंडक्टर। और दूसरा क्या होगा, इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर में बेटा क्या होता है, याद रखना है कि इन कंडक्टर, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, इन कंडक्टर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड कंडक्टर। समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड क्या होगा, कंडक्टर, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ कि इंसुलेटर में क्या होगा, इन इंसुलेटर एक केवल पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स आर, यहां मैंने लूजली बाउंडेड नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, हेंस दे आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड इट, ठीक है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, कंडक्टिविटी वगैरह बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये आपको जानना है कि क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, मूव कर जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, फ्री होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होता है, तो उनको फ्री नहीं रखा जाता है कि अब फ्री, ठीक है। समझ में आया, तो अब बोलेंगे सर इसका यूज क्या है, तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, इंसुलेटर का आपको एग्जांपल मालूम है, पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हुआ। ये कंडक्टर में क्या आएगा, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या होंगे, क्योंकि मेटल्स जो है वो क्या है, कंडक्टर जो है वो मेटल से मिलकर के ही बना होता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद जैसे देखो, सिंपल एक एग्जाम्पल देखो क्या होगा, थोड़ा आप देख लो इसको डिटेल में, कि मान लो कि ये क्या है, चलो मैंने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर में बेटा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां देखो ध्यान से, इधर मैंने क्या किया, ये कोई चार्ज
ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, वही क्या किया हमने, चार्ज ऑब्जेक्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास में लाया। समझ में आया क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लाया। तो ध्यान देना इस पे क्या है, अभी जब ये नहीं है तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, जीरो है। अभी आइसोलेटेड है, ये क्या है बेटा, आइसोलेटेड, देखो ये कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कंडक्टर। तो अभी क्या है, इस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अभी देखना क्या होगा, अभी Q क्या होगा, Q I इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना। अब क्या होगा, देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको भी अभी हमने पढ़ा था कि लाइक अनलाइक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से क्या होंगे, इधर मूव कर जाएंगे, इधर मूव करते रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान देना कि इधर क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और इधर जो होता है वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा, अपीयर होगा। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, 5, जितने चार्ज इधर होंगे, ठीक है, ये क्या होगा चार्ज, इधर क्या होगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ चार्ज जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से, चार्ज का यहाँ क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो अभी भी क्या है, बिफोर आई मीन जब अब ये नहीं था, जब ये प्लेट नहीं था, चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट, उस समय भी इस पे चार्ज क्या था, जीरो था नेट चार्ज। अभी भी बेटा देखो इस पे चार्ज नेट क्या है, देखो तो जीरो है क्या, देखो जीरो है क्या, समझ में आया क्या। तो इसको यहाँ भी जब भी क्या होगा, किसी भी चार्ज बॉडी को क्या करोगे, कंडक्टर के पास लाओगे, तो कंडक्टर पे क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बॉडी देखो ये यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। सिमिलर वे से आप सोच सकते हो, देखो ध्यान से, ये अनचार्ज है, ठीक है, और अब हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज लाया, ठीक है, निगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को लाया, या ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ हमने क्या किया, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, माइनस, या ऐसे ही चलो नहीं तो तुम, ठीक है, ऐसे निगेटिव चार्ज, समझ में आया। एक क्या है, अगेन कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, अगेन निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेगा, इधर मूव कर जाएगा, तो इसके वजह से निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो समझ में आया ना, अगेन यहाँ भी अभी भी चार्ज क्या है, जीरो ही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाई क्या होगा, इंडक्शन, क्या हम बोलेंगे, चार्जिंग। तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या बताया कि चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बॉडी, पहला जो मेथड है वो क्या है, ठीक है, बाई इंडक्शन, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इंडक्शन से हमने क्या किया, किसी बॉडी को क्या किया, चार्ज कर दिया। यदि इंसुलेटर होगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो ध्यान से, ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, देखो ध्यान से, ये इंसुलेटर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब क्या करोगे आप, कोई भी चार्ज, यहाँ चलो हमने पॉजिटिव चार्ज रख लिया, तो इसमें चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। देखो ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आया ना, चार्ज क्या होगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ऑलवेज क्या होगा, पेयर में चार्ज क्या होगा, ये डाइपोल की तरह भी ट्रीट करते हैं हम इसको, बाद में बेटा मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जैसे ही फिर ये चार्ज बॉडी को हटाओगे तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर होगा। यहाँ भी चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ ये इंसुलेटर है तो इसमें क्या होगा, पहले चार्ज थोड़ा क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड चार्ज,
पोलराइज्ड चार्ज है, और इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। ये भी जो चार्ज है इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से क्या होगा, चार्ज इसमें क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले इस पर क्या था, चार्ज जीरो था, अभी भी नेट चार्ज क्या है, देखो जीरो है। नेट चार्ज यहाँ भी क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, अपने पोजीशन से स्लाइटली क्या हो जाएगा, सेंटर से क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल भी कई तरह का होता है, पोलर नॉन पोलर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तभी हमने क्या देखा, चार्ज बाई क्या होगा, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाई क्या होगा, इंडक्शन मेथड। आई मीन इसमें क्या करें, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास क्या करेंगे, लाएंगे, तो चार्ज क्या होता है, अनचार्ज बॉडी में क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको पढ़ना है अपने ग्रुप, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आगे। दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड, उसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है बेटा। तो दूसरा जो हम मेथड पढ़ेंगे बाय इंडक्शन, तो बाय सेकंड जो मेथड है हम क्या पढ़ेंगे उसको, चार्जिंग बाय क्या होगा, बाय फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, मैंने ये ग्लास रॉड ये जस्ट दिखा दिया है। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, और ये सिल्क है, ऐसे समझो कि चलो ये सिल्क है। ठीक है, सिल्क ये एक्सपेरिमेंट किया, तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो व्हेन, दो पॉइंट लिख लेना, व्हेन देखो इसमें क्या होगा, ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, सिल्क और ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या होगा, इसमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो। तो रबिंग के वजह से जो चार्ज क्या होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, चार्ज क्या होगा, क्रिएट होता है। तो व्हेन क्या होगा, व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क आर रब अगेन अगेंस्ट ईच अदर, देन क्या होगा, देन रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हाइल सिल्क गेट निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखो ध्यान से, और उसे क्या किया गया, ये देखा गया, तुमको याद रखना है, मैं जस्ट ऐसे सिल्क ले लिया। ठीक है, और इस पर देखो, इस पर मैंने निगेटिव चार्ज दिखा दिया, समझ में आया, और यहाँ मैं रॉड को क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आप ऐसे देख लो। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये रॉड का चार्ज है। ठीक है, ये रॉड है, और ये क्या है, सिल्क है। ये तब होगा जब सिल्क को क्या करोगे, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करोगे, रब करो। यहाँ देखना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन क्या होगा, सिल्क एंड चार्ज। यहाँ भी बिफोर रबिंग देखो, नेट चार्ज यहाँ क्या है, यहाँ भी इन दोनों को यदि सिस्टम मान लो, आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो यहाँ भी क्यू क्या है, जीरो है बिफोर रबिंग, एंड आफ्टर रबिंग भी यहाँ भी क्या होगा, क्यू क्या होगा, जीरो होगा, यदि दोनों के आप क्या करो, सिस्टम कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, इन वैलिड हो रहा है। ठीक है, थर्ड जो मेथड है बेटा, ठीक है, क्या होगा, थर्ड जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई क्या होगा, कंडक्शन
ठीक है, और चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये याद रखना। देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, चार्जिंग बाई क्या होगा, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और ये क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ इसको, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। मान लो कि इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, अभी क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज है। यहाँ स्विच है, थोड़ा समझने के लिए। अब यहाँ जब क्या करोगे, यहाँ याद रखना चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब t इक्वल टू जीरो पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच को क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है, क्या किया, स्विच को कलेक्शन क्लोज कर दिया। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है बेटा, याद रखना, क्या है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो जैसे ही क्या करोगे आप, चार्ज को क्या करोगे, सॉरी स्विच को क्लोज करोगे, तो चार्ज क्या होगा, यहाँ से ऑफकोर्स इस बॉडी ए से क्या होगा, बी के तरफ क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। और चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक क्या हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। समझ में आया ना, जे दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आफ्टर समटाइम्स इस पे, यदि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे यदि आपको इच्छा है तो ऐसे लिख सकते हो, तो आफ्टर क्या होगा, कनेक्टिंग स्विच, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या हुआ, Q1। अभी हमने क्या किया, स्विच को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q2, ठीक है। समझ में आया, ये स्विच, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात है। यहाँ अगेन देखो, ऑब्जेक्ट को आप सिस्टम कंसीडर कर लोगे, ठीक है, तो नेट चार्ज क्या है, क्यू है। तो अभी दोनों पे देखो, तो इस पे जो कुछ चार्ज है वही तो इस पे ट्रांसफर हुआ है यार, चार्ज कहीं और जगह से थोड़ी आया है। इसका मतलब क्या होगा कि अभी जो बिफोर कनेक्टिंग स्विच जितना चार्ज है, आफ्टर कनेक्टिंग स्विच क्या होगा, उतना ही चार्ज होगा दोनों ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे, बाद में इसको मैं प्रूफ भी करूँगा आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हम प्रूफ भी करेंगे कि दोनों पे जो क्या होगा, दोनों पे चार्ज कितना होगा और चार्ज कंजर्व भी होगा, उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि Q1, देखो तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि दोनों का जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी क्या होगा, चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, चार्ज विल फ्लो, बाद नोट में केवल लिख लेना, चार्ज विल क्या होगा, विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी टिल पोटेंशियल ऑफ वी ए, आई मीन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी वुड नॉट बी क्या होगा, सेम। जैसे ही क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको ग्रेट डिटेल में अपने को क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।